वर्ल्ड कप को सबसे खतरनाक मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 14 अक्टूबर ने खेली जाओगे। जहां की सबने बेरवे की वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से हो गई है और अब तक वर्ल्ड कप का 10 मैच हो चुके हैं। और अगर इन 10 मैचों में बात करें इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में, तो इंडिया की टीम भी 2 मैच खेल चुकी है और पाकिस्तान की टीम भी 2 मैच खेल चुकी है। पाकिस्तान की टीम आपको पहला मैच नीदरलैंड हरायो और दूसरा मैच श्रीलंका की टीम के सामने 345 रन बना के हरायो। और अगर बात करें इंडिया की टीम के बारे में, तो इंडिया की टीम आपको पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने हरायो और दूसरा मैच इंडिया की टीम अफगानिस्तान की टीम ने हरा के जीते हुए। तो अब तक पाकिस्तान और इंडिया दोनों आपका 2-2 मैच जीत रखे हैं और एक भी मैच कुनिया रहे हो। लेकिन अब इन दोनों टीमों को 14 अक्टूबर ने आपस में मैच होगा और जो मैच जितनी भी टीम जीतेगी वह टीम 3 मैच जीत लेगी। लेकिन इन मैच से पहले बहुत सी खबर सामने निकल के आ रही, जैसे कि सबने बेरा की इंडिया और पाकिस्तान को मैच कराना उतना आसान को नहीं। पाकिस्तान की टीम इंडिया में तो आ गई और पाकिस्तान की टीम ने इंडिया में बहुत ही सम्मान मिले है, लेकिन कुछ खुफिया एजेंसी के अनुसार इंडिया और पाकिस्तान के मैच पर किसी की बुरी नजर है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में कुछ अनहोनी हो सके। तो इंडिया और पाकिस्तान की टीम का सुरक्षा के लिए विशेष यही है, तो पूरे अहमदाबाद क्रिकेट ग्राउंड में सिक्योरिटी लगा दी है और इस मैच से पहले ग्राउंड में हाई सिक्योरिटी अलर्ट करी गई है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच एशिया कप में भी हुआ, लेकिन ये दोनों मैच श्रीलंका में हुआ और एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान को पहला मैच बारिश का रद्द होगा, लेकिन दूसरा मैच टीम इंडिया पाकिस्तान की टीम ने बहुत ही बुरे तरीके से हराया हो। अगर बात करें ओडीआई वर्ल्ड कप में, तो ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम कभी भी इंडिया की टीम से कौन जीत पावे, तो इस बार भी देखना होगा कि टीम इंडिया पाकिस्तान की टीम ने हरा पाओगी या फिर कौन हरा पाओगी। लेकिन टीम इंडिया वर्ल्ड कप में जिस तरीके से खेल रही है, तो सबने लाग रही है कि टीम इंडिया पाकिस्तान की टीम ने भी कौन बख्शे, तो पाकिस्तान की टीम ने भी रोंद की वर्ल्ड कप में आपको जीत को आगाज जारी रखेगी। तो आज के वीडियो में बस, तो अगर वीडियो चोखा लगी हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब की जाए।